राकेश टिकेट ગુજરાતના પ્રવાસે ખેડૂત સંગઠનો સાથે કરશે મુલાકાત। राकेश टिकेत गुजरात ना प्रवासे खेडू संगठनों साथे करशे मुलाकात। राकेश टिकेत गुजरात ना प्रवासे आबू रोड पर ट्रेन मार्फते पहुंचा। टिकेत कांग्रेस सहित आप आगेवानों पहुंचा स्वागत मा। खेडू संगठन ने करशे संबोधन। दिल्ली हरियाणा बॉर्डर पर चाली रहेला खेडूत आंदोलन मा अनेक लोको जोड़ाई रहा छे। अनेक राज्यों मा खेडूत आंदोलन ने लईने देखावो पण करी रहा छे। आंदोलनकारी किसान नेता राकेश टिकेत बे दिवसीय गुजरात ना प्रवासे आवी चुक्या छे। राकेश टिकेत गुजरात राजस्थान बॉर्डर पर आबू रोड पर आवी पहुंचा। टिकेत ना आगमन ने लईने खेडूत संगठन ना नेताओ आबू रोड पर आवी पहुंचा हता। राकेश टिकेत नु आबू रोड पर स्वागत करवामां आव्युं। अंबाजी खाते माताजी ना दर्शन कर्या बाद तेओ पालनपुर आवी पहुंचा। बहुत जगह जाएंगे, यहाँ के लोकल लोगों ने जहाँ आपको प्रोग्राम रखे मीटिंग करेंगे, पब्लिक मीटिंग करेंगे, किसानों से बात करेंगे। टिकेत बनासकांठा सहित समग्र उत्तर गुजरात में प्रवास करशे, जेने लईने पोलीस पण एक्शन मोड में आवी गई छे। कोई अनिच्छनीय बनाव न बने ते माटे पोलीस खड़े पगे छे। आबू रोड पर गुजरात ना आगेवानो जेवा के गेनीबेन ठाकुर, लालजी देसाई, पालभाई आंबलिया सहित खेडूत नेताओ आवी पहोंच्या हता। पूर्व मुख्य प्रधान शंकरसिंह वाघेलाना आमंत्रण ने पगले तेवो बे दिवसीय गुजरातना प्रवासे छे, जेमा तेवो अनेक खेडूतो साथे संवाद पण करशे। बपोरना समय बाद अंबाजी खाते माताजीना दर्शन करीने तेमना प्रवासनो प्रारंभ कर्यो। अंबाजी माताजीना दर्शन करीने तेवो पालनपुरमां खेडूत सम्मेलन ने संबोधित करशे। 5 एप्रिल राकेश टिकेत गांधी आश्रमनी मुलाकात लेशे अने त्यार बाद तेओ करमसद जशे। बारडोलीमां पण टिकेत खेडूतो साथे संवाद करशे। रिया सोलंकी, जेडएस टीवी, बनासकांठा। करेंगे, लोगों से मिलेंगे। हाँ, आप आज अंबाजी की यात्रा पर निकले हैं। हाँ, और अंबाजी से अंबा माता के दर्शन करके, हाँ, वहाँ का आशीर्वाद लेके उसके बाद में गुजरात में जाएंगे, किसानों से बात करेंगे, वहाँ पे मीटिंग करेंगे और कई जगह के प्रोग्राम हैं। बारडोली का भी प्रोग्राम है, सावतमती का भी प्रोग्राम है, तो इन सब जगह पर जाएंगे। किसानों की क्या क्या समस्याएँ हैं उनसे रूबरू होंगे। MSP पे खरीद हो रही नहीं हो रही उस पर बात करेंगे। जो 3 कानून हैं जो सरकार ले कर आई है उसमें क्या खामियां हैं, पूर्ण रूप से कानून काले हैं उसके बारे में बताएंगे, तो इन सब सवालों पर बातचीत हो। विशेष रूप से क्या आवश्यकता पड़ी है गुजरात को, खेडूत को लेकर आपको, जिसकी आवाज़ बनने के लिए आप पहुँचे? नहीं तो पूरे देश में जा रहे हैं ना हम तो भाई। बंगाल जाते हैं तो ये कहते हैं कि चुनाव है वहाँ पर, गुजरात आते हैं तो गुजरात क्यों आए, तो देश की समस्या है, तो किसानों की समस्या है, तो जाना तो पड़ेगा ना पूरे देश में। खेडू कब तक इकट्ठा होगा? खेडू तो इकट्ठा है आज, फिर दिल्ली के चारों तरफ क्या पहुंच रहे हैं, दिल्ली के चारों तरफ खेडू तो इकट्ठा हो जाए। भाई वो वही कह रहा हूँ, अगर खेडू जो अलग अलग हो रहे हैं, मानो कि सरकार उनको तोड़ रही है, उनकी आवाज बनने के लिए आप पहुँच रहे हैं, उनकी जो परेशानियों को आवाज उठाने के लिए जा रहे हैं, ये किस प्रकार की चीजें, क्या आवश्यकता है? आवश्यकता है कि उनकी फसलें आधे रेट में बिखरी है भाई, पूर्ण रूप से उनको रेट मिले, बाजार भाव उनको मिले। जिस हिसाब से दूसरे फसलों की कीमतें बढ़ी हैं, दूसरी चीज़ों की उनकी फसलों की कीमतें भी बढ़े, तो ये सारे सवाल है। MSP जो भारत सरकार ने रेट निर्धारित कर रखे उसके कम पर खरीदना हो, तो ये सारे सवाल है। भाजपा लगातार आरोप लगा रही है कि किसान आंदोलन कांग्रेस की बीट टीम के रूप में काम कर रही है। हाँ तो भाजपा क्या कोई किसान संगठन की कोई उसकी कमेटी की मेम्बर है क्या? वो तो आरोप लगाएगी। आपकी आपकी बात मानेगी ये सरकार, मानेगी? हाँ मानेगी, क्यों नहीं मानेगी, मान जाएगी। अभी टाइम लगेगा, 5-6 महीने लगेंगे, 8 महीने सर्दी तक मानेगी। कि एक जात का शक्ति प्रदर्शन माना जा रहा है, इस चीज को क्या कहेंगे कांग्रेस की एंट्री के लिए? कहीं का कांग्रेस में आपकी एंट्री के लिए आपका शक्ति प्रदर्शन? नहीं, कांग्रेस की कहाँ एंट्री है, कांग्रेस की कहाँ एंट्री है, कांग्रेस वाले है कहाँ? आंदोलन ये तो आंदोलन किसानों का आंदोलन है, ये किसानों का। आपकी कांग्रेस में एंट्री करने के लिए? अरे हम कहाँ कांग्रेस में एंट्री कर रहे हैं, आपके आंदोलन का बस ये चीज है। हम कौन कांग्रेस में एंट्री कर रहे हैं, तो किसानों का आंदोलन है। अच्छा, जो भी इसमें सहयोग देगा इसमें तो BJP वाले भी सहयोग दे रहे हैं। ठीक है सर, गुजरात की सरकार तो ये बोल रही है कि किसान दुखी नहीं है गुजरात में तो। हाँ, 3 रुपए आलू बेच के 3 रुपए किलो में किसान दुखी नहीं है क्या? इतना टेरर बैठा रखा है गुजरात के सरकार ने किसानों पे कि 3 रुपए किलो आलू बिक के भी किसान ये कह रहा है कि दुखी नहीं है, जाके देखेंगे आज वहाँ पे।